यार किसपुर साहब पहुँचने वाले हम से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक दरिया आया है यार। पहुँच चुके हम, अंश भाई हमें ड्रॉप करके गए अभी अभी। स्पेशल भाई, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल अंदर तक ड्रॉप करने आए थे। भाई को वैसे रोड से ही जाना था, पर बहुत बहुत धन्यवाद अंश भाई का। और कीरतपुर साहब हम पहुँच चुके हैं, बल्कि वैसे कीरतपुर साहब बोलते हैं यहाँ, क्या हमें पता लगा है भाई, इसी गुरुद्वारे को पतालपुरी साहब भी बोलते हैं। देख सकते हो गुरुद्वारा काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। थोड़े थोड़े दिख रहे, बिल्कुल थोड़े थोड़े शायद वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे। अभी जैसे हम इससे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे आनंदपुर साहब की साइड, तो दिख जाएंगे आपको पहाड़। चलिए फटाफट से दर्शन करते हैं और जानते हैं गुरुद्वारे के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं यहाँ किसी लोकल से, और फिर बताते हैं आपको क्या कुछ हिस्ट्री है गुरुद्वारे के पीछे। कीरतपुर शहर अपने गौरवशाली इतिहास और गुरुद्वारों के लिए जाना जाता है। गुरुद्वारा पतालपुरी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ सिख दिवंगत की अस्थियों को बहाते हैं। इस स्थान की, इस जगह की स्थापना 1627 में सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किया था। साथ ही यह गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण का जन्म स्थान भी है। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को मुगलों द्वारा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में मरवा दिया था। गुरु जी के सर को इस स्थान पर लाया गया था, जहां बावनगढ़ नाम से एक गुरुद्वारा भी बनवाया गया था। साथ ही मुस्लिम संत पीर बुड्ढन शाह का संबंध भी इस स्थान से है। गुरुद्वारा के अलावा कीरतपुर साहिब में कई मंदिर दरगाहें भी हैं। नंगल रूपनगर चंडीगढ़ रोड पर स्थित कीरतपुर साहिब रूपनगर से 34 किलोमीटर उत्तर में है। यार काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 6 बजे हैं और पहुंच गया मैं आनंदपुर साहिब। देख सकते हो आप मेरे पीछे हल्के हल्के पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं यहाँ। बाकी अंदर जाता हूँ अभी, रुकने का देखते हैं कैसे है। बात करता हूँ अंदर, तो फिर आपसे बात करता हूँ, रुकने का एक बार देखता हूँ उसके बाद। फाइनली रूम में पहुँच चुका मैं आनंदपुर साहिब, अपना रूम ले लिया मैंने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे रूम है थ्री ऑक्यूपेंसी में। ऐसा यार कुछ रूम काफ़ी साफ सुथरा और मज़ेदार, जिसकी कॉस्ट मुझे बढ़िया है लगभग 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ इन्होंने डिपॉजिट किए हैं सिक्योरिटी के लिए। बाकी अगर कल मैं 12 बजे से पहले चेकआउट कर दूंगा तो 100 रुपीज़ मुझे रिफ़ंड कर देंगे, वापस कर देंगे, जो कि मेरा 100 रुपीज़ है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सस्ता है। तो अभी लगभग आधा घंटा पहले पहुंचा था मैं, अभी नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चलते हैं गुरुद्वारे में दर्शन करने, और लगभग आधे घंटे बाद मिलता हूँ। तो जनाब एक बार फिर से नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं बाहर। रूम मैंने आपको दिखाई दिया था, अभी बाहर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं यार, फिर गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं, फिर वहाँ बाहर चल के आपको मिलते हैं। देख लो यार रात के टाइम में ऐसा कुछ हुआ है गुरुद्वारा साहब का, और चलते हैं अब अंदर दर्शन करते हैं।
बढ़िया हो रहा है, मौसम हवा चल रही है मस्त। थोड़ा ये माउंटेन एरिया में पड़ जाता है गुरुद्वारा, गिल गिल के माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं आनंदपुर साहब में आगे। और क्या कहते हैं ये उनकी उसी किले पे बना हुआ है जो गुरु गोबिंद सिंह जी का किला था ना, आपने देखा भी होगा चार साल ज़्यादा मूवीज में गुरु गोबिंद सिंह जी का किला था, उसी किले की जगह पर बना हुआ है गुरुद्वारा। चल के लंगर सकते हैं और चलते हैं अपने रूम पर, वहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह भी है। तो तक वीडियो देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।